जिसने समाज को संगठित करने के लिए पांच प्रकार के संबंधों पर आधारित किया था, शासक और शासित, पिता और पुत्र, ज्येष्ठ भ्राता और कनिष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई और छोटा भाई, पति और पत्नी तथा इष्ट मित्र यानी कि क्लोज फ्रेंड्स। और आज हजारों वर्ष बाद भी इस थ्योरी पर समाज काम कर रहा है। आज की पुस्तक इसी थ्योरी के निर्धारक चीनी सुधारक कन्फ्यूशियस पर लिखी पुस्तक, जिसकी लेखिका है मनीषा माथुर, उसे लेकर हाजिर हूँ मैं सारिका पंकज। कन्फ्यूशियस का वो सिद्धांत जिस पर आज भी कई बार कोट किए जाने वाले उदाहरण मिलते हैं, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम उनके द्वारा अपने प्रति किए जाने की इच्छा रखते हो। इस तरह की कई बातें उनके द्वारा कही गईं, जिनका आज भी प्रयोग किया जाता है या कोट किया जाता है। पुस्तक के 30 अनुक्रम हैं। जन्म से आरंभ होती पुस्तक बचपन, विद्यार्जन, फिर शोक के 3 साल। इस भाग में अपनी माता की मृत्यु का शोक में बीतने वाले 3 वर्षों का उन्होंने विवरण दिया है। चीन में माता या पिता के देहांत के बाद उस वक्त उस जमाने में 3 वर्ष का शोक मनाया जाता था। कन्फ्यूशियस मानवता के बड़े पैरवीकार थे। इतना ही नहीं, उनका मानना था कि श्रेष्ठ गुरु उसी को मान सकते हैं जिसने अपनी सारे ज्ञान की पूंजी अपने शिष्यों के मध्य बांट दी हो। लू एक स्थान है चीन में। लू के शासनकाल में जहां कन्फ्यूशियस मंत्री पद पर थे, तब भी अपने पद की जिम्मेदारी को निभाते हुए राजा को खुद को सुधारने की, अपनी गलती मानकर आगे बढ़ने की सलाह देते रहते थे। मगर उनके इसी साफगोई के कारण उनके दुश्मन बने और उन पर गद्दारी तक के आरोप लगे। उन्हें सत्ता के लोभी का भी आरोप सहना पड़ा। फिर अंततः परिस्थितियों को देखते हुए क्यों उन्होंने लू की धरती पर कभी कदम न रखने की कसम खाई, ये तो पुस्तक कन्फ्यूशियस पढ़ने पर ही आपको मालूम होगा। कन्फ्यूशियस के गोल्डन मार्क के विषय में तो आपने जरूर सुना होगा, न भी सुना हो तो आपको यहाँ बता देते हैं, बाकी का आप पुस्तक में पढ़ लेंगे। स्वर्ग ने मनुष्यों को प्रकृति प्रदान की है और प्रकृति सिर्फ खेत, नदियाँ, पहाड़, हवा नहीं बल्कि आचरण भी है जो सच्चा रखने के लिए उपहार मिला है। विरोध दुष्परिणाम देता है, जबकि विरोध के कारणों की जांच और फिर खुद में सुधार करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। साम्य सामंजस्य दोनों अवस्थाओं में पूर्णता में देखने का लाभ कन्फ्यूशियस ने बहुत स्पष्ट और खूबसूरत तरीके से बताया है। ब्रेन डिटॉक्सिफाइंग का इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता। तो अब बिना अगर या मगर सोचते हुए ऑनलाइन अभी पुस्तक कन्फ्यूशियस को ऑर्डर करें। और आपकी सहायता के लिए इसी वीडियो के डिटेल्स में ऑनलाइन एप्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। देखा हम आपके मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, मनोरंजन के लिए कितना सोचते हैं। फिर मिलूंगी पुस्तक परिचय में। आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।